हाय पार्टनर, माय नेम इज अमित एंड आई वेलकम यू टू एपिट ग्रुप। और हम लोग मतलब एपिट ग्रुप ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस पार्टनर। ओके, वी हैव अ बिजनेस पार्टनर प्रोग्राम और इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, दैट इज द रीजन यू आर चेकिंग दिस वीडियो। ओके, सो द थिंग इज कि मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये बिजनेस पार्टनर का जो प्रोग्राम है वो कैसा है, ठीक है। सो एज अ बिजनेस पार्टनर आप हमारे साथ एक पार्टनरशिप में काम करोगे, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब है कि प्रॉफिट 50-50, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि पार्टनरशिप का मतलब है प्रॉफिट इज 50-50। ओके, सो एज अ बिजनेस पार्टनर जो है, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से काम करना पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग काम क्या करते हैं, एपिट ग्रुप काम क्या करता है, उसके बारे में क्या जानकारी जो आपको होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग, हम लोग सब कुछ करते हैं फॉर योर नॉलेज, एवरीथिंग वी डू रिगार्डिंग टू डिजिटल, जिसको डिजिटल बोलते हैं ना, जिसको मतलब फिजिकल नहीं, डिजिटल काम हम लोग सब कुछ करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाया था कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। सो एज यू हैव रिसीव द मेल ऑल्सो रिगार्डिंग द डिटेल्स, सो अगर आप वो चेक कर रहे हो तो वहां पे मैंने लिंक्स प्रोवाइड किया है आपको, सो दैट यू कैन चेक द लिंक्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग आपको जो ध्यान देना पड़ेगा कि आपको मिल गया है वहां पे जो फर्स्ट वाला जो डिटेल, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक एंड डिजाइन, ठीक है। सो ऑल टाइप्स का मतलब है सब कुछ, हमारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उस काम को करने के लिए, वी आर नॉट डूइंग फिजिकली, हम लोग उस काम को फिजिकली नहीं करते हैं। हम लोग, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई मैन्युअली उस काम को करता है, ठीक है। हमारी डिजाइनर टीम है जो उसको सॉफ्टवेयर में हम लोग सिर्फ डिटेल को प्रोवाइड कर देते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर सब कुछ काम करके देता है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग जो डिटेल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप लिंक में क्लिक करोगे तो आपको पेज में सब कुछ दिखाई देगा रिगार्डिंग हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग सब कुछ करते हैं जो अभी आपको पेज में दिख रहा है। ओके, रिगार्डिंग द ग्राफिक एंड डिजाइन में जितने भी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, लोगो डिजाइन हो गया, बिजनेस कार्ड्स हो गया, एनएफटी आर्ट हो गया, पैटर्न डिजाइन हो गया, सब कुछ, ब्राउजर डिजाइन हो गया, पोस्टर डिजाइन, एवरीथिंग वी डू इट। ओके, सब कुछ करते हैं हम लोग जो रिगार्डिंग टू डिजाइन एंड ग्राफिक एंड डिजाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ हम लोग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या आता है, डिजिटल मार्केटिंग में आपका सोशल मीडिया आता है सब कुछ, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन जो आपका ट्विटर, जहाँ पे मतलब आपको सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, जहाँ पे आप कोई भी पर्सन जो है या कंपनी जो है वो बिजनेस अकाउंट बनाता है या सोशल मीडिया को यूज करता है, सो वहाँ पे प्रोमोशन होता है, तो उस प्रोमोशन में जितने मैटर्स, जितने तरीके का जो एडवर्टाइजिंग है वो जो यूज होता है वो सब कुछ हम लोग बना के दे सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमारा सॉफ्टवेयर है वो बना के दे सकता है, ठीक है। सो आपका जो एडवांटेज ये है कि आप हमारे साथ जब एज ए बिजनेस पार्टनर काम करोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा कि आपका काम बहुत फास्ट होगा, मतलब किस तरीके से काम करना पड़ेगा उसको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। साथ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइटिंग एंड जो ट्रांसलेशन है उसका सारा काम हम लोग करते हैं, ठीक है। सो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का मतलब है कि फॉर एनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, राइट टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, और वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है और किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग सब कुछ करके देते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड का रिक्वायरमेंट को आप ले सकते हो, लेकिन हम लोग सब कुछ करके दे सकते हैं, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। सो जो आप स्क्रीन में आप देख पाओगे, जब आप क्लिक करोगे उस पे, उस लिंक पे जब क्लिक करोगे, जो राइटिंग एंड जो ट्रांसलेशन वाला जो पेज है उसमें जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, जो काम आपको दिख रहा है, सब कुछ हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं वीडियो एंड एनिमेशन के सारे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड वीडियो एंड एनिमेशन का जो काम करते हैं हम लोग, उसमें जितने कैटेगरीज अवेलेबल है आपको जो दिख रहा है वो जो वेब पेज में, वो सब कुछ हम लोग करके दे सकते हैं, आइदर इट्स व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हो या स्केच हो या कुछ भी, किसी भी तरीके का जो वीडियो एनिमेशन है या वीडियो है, एनिमेशन है, उसमें वॉइस देना है, उसमें साउंड देना है, सब कुछ हम लोग करके उसको क्रिएट करके दे सकते हैं कंपनी को, उसका एडवर्टाइजिंग कैंपेन को सक्सेस कराने के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट हो या लॉन्ग वीडियो हो, हम लोग सब कुछ बना के दे सकते हैं, ठीक है। देन म्यूजिक एंड ऑडियो का जितना भी रिक्वायरमेंट है जो कंपनी को काम के लिए चाहिए, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि म्यूजिक एंड ऑडियो जो होता है वो प्रमोशन के लिए चाहिए होता है,
जो शॉर्ट वीडियो होता है, जो प्रेजेंटेशन के लिए होता है, या लॉन्ग, जो मान लो कि 4 मिनट का, 2 मिनट का, मैक्सिमम 2 मिनट का होता है, 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट का वीडियो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो वहां पे जो म्यूजिक चाहिए हम लोग क्रिएट करके दे सकते हैं, ठीक है, कंपोज करके दे सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर कंपनी को, अगर मान लो कि इस जो मतलब मान लो कि एक छोटा सा उसका वीडियो है, उसके लिए रिकॉर्डिंग चाहिए, उसके लिए वॉइस चाहिए, या उसके लिए म्यूजिक चाहिए, तो उसको खरीदना पड़ता है बाहर से। अगर खरीदना पड़ता है तो बहुत महंगा आता है वो, ठीक है। लेकिन अगर हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है ना, तो उसको कंपोज करके देगा, उसको बना के देगा, और बिल्कुल उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के देगा, ठीक है। सो वो आपको जो है ना कॉस्ट सेविंग होता है, बहुत पैसा सेव होता है वहां पे। क्योंकि अगर वो कोई ऑलरेडी कॉपीराइट वाला म्यूजिक को यूज कर लेता तो उस पर लीगल राइट प्रॉब्लम आ सकता है, तो लीगल प्रॉब्लम आ सकता है कॉपीराइट के इशू की वजह से। सो दैट इज द थिंग, जो कंपनीज मतलब अपने काम के लिए जो म्यूजिक है उसको खरीदना ही पड़ता है, म्यूजिक को वो लोग ऐसे उठा नहीं सकते, मतलब, ठीक है, गूगल से हो गया, कहीं से भी डाउनलोड कर लिया, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। सो दे रिक्वायर्ड द नो कॉपीराइट वाला जो म्यूजिक है वो हम लोग बना के देते हैं, और उसके लिए बहुत कम चार्जेस आता है, ठीक है। तो सब कुछ करके देते हैं हम लोग। सो ऑनलाइन का सारा सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है, म्यूजिक एंड ऑडियो में। देन हम लोग क्या करते हैं, अगर कंपनीज को चाहिए वेबसाइट डिजाइन करना, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट में सारा काम है, प्रोग्रामिंग करना है, वर्डप्रेस करना है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट करना है उनको, उसको मतलब मार्केटिंग साइट बनाना है उसको, या उसको शॉपिंग का जो वेबसाइट बनाना है उसमें जो कंटेंट्स है उसको ऐड करवाना है, मेंटेनेंस है, होस्टिंग है, वेबसाइट डिजाइन से लेकर सब कुछ A to Z हम लोग सब कुछ करके दे सकते हैं, ठीक है। डेवलपिंग करना, उसको बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको होस्ट करना, उसको सब कुछ हम लोग करके दे सकते हैं उसको। अगर मान लो कि कंपनी को चाहिए कि मेरा वेबसाइट बन गया है एंड मुझे एप्लीकेशन भी चाहिए साथ में, तो एप्लीकेशन भी हम लोग बना के दे सकते हैं कंपनी को, ठीक है। तो मतलब आपके पास सब कुछ है अवेलेबल, आप कोई भी चीज का ऑर्डर आप ले सकते हो, ठीक है। देन वो कैसे करना है काम आपको बताऊंगा आगे। तो हम लोग ये करके देते हैं, हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन, हमारे पास सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इस काम को करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए काम को करने के लिए हमारे पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। देन बिजनेस सॉल्यूशन आता है, बिजनेस सॉल्यूशन में हम लोग सब कुछ करके देते हैं जो बिजनेस को चाहिए, ठीक है। बिजनेस में बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है, वहां पे प्रिंटिंग होता है, फिर वहां पे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको कैसे बनाना होता है, स्क्रिप्ट कैसा होना चाहिए वहां पे, फॉर्मेट क्या होना चाहिए काम को करने के लिए। हो सकता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसको फॉर्मेट को बनाने के लिए उन्होंने किसी को हायर कर लिया होगा, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनी है, छोटे छोटे जो उसका जो मतलब छोटी बड़ी जो स्मॉल कंपनीज हैं, उनके पास इतने हायर करने के लिए लोग नहीं होते कि वो लोग सिर्फ कंटेंट को बनाने के लिए हायर करें। तो उनका जो फॉर्मेट्स है हम लोग बना के दे सकते हैं उनको, जो इनवॉइस बनाना हो, या उनको डिजाइन करना, अपना पैड डिजाइन करना होता है, या अपना जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करना होता है, लीगल पेपर डिजाइन करना होता है, या उनको हायरिंग करनी होती है, रिक्वायरमेंट होता है, उनको लोग चाहिए उनको काम करने के लिए, या उनके पास कुछ भी प्रोजेक्ट है उनको अच्छे से मैनेज करके जो है ना एक डिजाइन बना के एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है, तो वो सब कुछ एक वीडियो बनाना होता है। या तो अगर मान लो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, वो चाहता है कि मेरा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को मुझे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, 3D बनाना है, मान लो कि उसको डॉक्यूमेंटेड उसको इस तरीके से बनाना है कि लोग जो है कंप्यूटर में ही या मोबाइल में ही वॉक थ्रू कर पाए, मतलब विजुअलाइज कर पाए कि अगर ये बिल्डिंग बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो सब कुछ करके हम लोग दे सकते हैं, ये कंपनी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो एज यू कैन सी दैट वी डू एवरीथिंग, मतलब हम लोग सब सब कुछ काम करके दे सकते हैं कंपनी को। दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या काम है, ठीक है। अगर आपको ये पता हो जाएगा, मतलब आपको क्या करना है कि पहले आपको सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड किया है, जो आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उस प्रोडक्ट के बारे में जानना है। लेकिन कब जानना है, पहले उसका प्रोसीड्यूर मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। सो द प्रोसीड्यूर इज कि आपको पहले एक खुद का वेबसाइट चाहिए, एक खुद का ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है। एंड वही बस आपका एक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक खुद का ईमेल आईडी एंड आपका वेबसाइट चाहिए, तो आप वो खुद से क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, या तो आप हमें बोल सकते हो, हम लोग बना के देंगे, ठीक है। सो दैट विल बी कॉस्ट आएगा उसका, ठीक है, जो भी कॉस्टिंग आएगा, डिजाइन करना, उसको बनाना, या वेबसाइट को लेना, जो कॉस्टिंग आएगा हम लोग वो लेंगे, अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप खुद से करते हो तो आपके खुद का वो आपका ही है, आपका ही वेबसाइट है, आपका ही ईमेल आईडी है, तो आपको ही काम पे आएगा, ठीक है। देन
हम आपको प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जो भी लिस्ट आपने देखा है उस सबको, जितने भी लिस्ट आपने देखा है उस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ताकि कंपनी जब आपसे पूछे कि वो चीज़ आप बनाते हो क्या, वो चीज़ आप करते हो, तो हाँ हम लोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका वेबसाइट क्यों बनाना है, क्योंकि इतने सारे जो लिस्ट है, ये जो काम का जो लिस्ट है, वो आपके वेबसाइट में सैंपल के साथ अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आपको हम लोग उसका जो उस काम का सैंपल है ना, वो सैंपल बना के वो आपके वेबसाइट में हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको पहला वेबसाइट चाहिए, सेकंड थिंग आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, जानकारी दे देंगे। उसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है, आपका जो वेबसाइट लिंक है, ठीक है, आपका जो वेबसाइट लिंक है, आप क्या करोगे, जो येलो पेज है, इंडियन येलो पेज, उसमें आप जब क्लिक करोगे, जो यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप क्लिक करोगे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, जैसे कि ऑल इंडिया बेसिस का डेटा मिल जाएगा आपको, करोड़ों डेटा, मतलब हाँ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा मिल जाएगा आपको कहीं से भी। मतलब मान लो कि इंडिया के किसी भी कोने से हो, अगर आप वहाँ पे यहाँ पे सर्च करोगे, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, नोएडा, पुणे, ऐसे बड़े बड़े शहरों में सर्च करोगे, या तो जो मतलब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 वाला सिटीज है वहाँ पे सर्च करोगे, कैटेगरी सर्च कर लो वहाँ पे, मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूंगा कैटेगरी से सर्च करते हैं। और आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे मेल आईडी मिल जाएगा कंपनी का, वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आपको कॉल नहीं करना है कंपनी को, ठीक है, कॉल करके परेशान नहीं करना है। आपको क्या करना है कि डेली आपको अपना जो कंपनी है, आपका जो कंपनी है और आपका जो पर्सनल जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, वहां से आपका वेबसाइट का जो लिंक है वो आप सेंड कर दो टू द कस्टमर ईमेल आईडी, मतलब जो हमारे जो कंपनीज का जो ईमेल आईडी है, ठीक है, वहां पे भेज दो आप। क्योंकि मेल भेजने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल देखेगा तो देखेगा, क्योंकि कंपनीज मेल चेक करती ही है, एवरी कंपनी दे चेक देयर ईमेल्स कि किसने भेजा है मेल्स, कस्टमर का मेल आया है या क्या मेल आया, चेक करते हैं वो लोग। तो आपका जो वेबसाइट का लिंक है उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो 100, 200, 300 को मेल भेज सकते हो आप पर डे में, आराम से भेज सकते हो, कॉलिंग तो नहीं करना होता है, 300, 400 लोग कंपनीज को भेज दो आप, ठीक है। एंड अगर आप ये सोचो कि अगर आप दिन में 100, मतलब 100 ईमेल्स ही भेजते हो आप, तब भी आप महीने में आराम से 3000 ईमेल्स भेज सकते हो आप, ठीक है। आपने भेज दिया ईमेल्स, क्या भेजा आपने, आपका कंपनी का वेबसाइट का, ठीक है, जो एड्रेस है वो भेज दिया आपने, और आपके वेबसाइट में क्या है, जो हम लोग काम करते हैं, जो सारा डिटेल है उसका, क्या प्राइसिंग होगा, क्या डिटेल होगा, क्या चार्जेस होगा उसका, किस तरीके से बना के देंगे, कितना टाइम चाहिए उसको बनाने में, सब कुछ उसमें करके देंगे आपको, ठीक है। तो क्या होगा कि कस्टमर देखेगा, अगर उसका कुछ काम है, कुछ रिक्वायरमेंट उसमें से, क्योंकि कस्टमर जो है, जो हम लोग काम करते हैं सब, तो उसके लिए मतलब कंपनी का रिक्वायरमेंट को देखते हुए करते हैं, सब कुछ चाहिए कंपनी को, कभी ना कभी चाहिए होगा, ठीक है। So, 3000 कंपनी, आप मंथली के हिसाब से देख लो, 3000 कंपनी में से 1% मान लो तो 30 कंपनी होता है, 3000 का 30 1% होता है 30 कंपनीज, ठीक है। So, 1% कंपनी का तो रिक्वायरमेंट आ सकता है ना आपके पास, ठीक है। सर ठीक है कि आपके पास 30 कंपनी नहीं आया, आपके पास अगर महीने में सिर्फ एक कंपनी भी आ गया ना, उस कंपनी के साथ आप लाइफ लॉन्ग काम कर सकते हो, क्योंकि एक कंपनी को अपना काम चलाना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग करता रहेगा वो, अपने बिजनेस को अपग्रेड करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, और कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी आपके लिए पैकेज भी इतना बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसका एक भरोसा जो मतलब एक ट्रस्टेड वेंडर बन जाओगे आप, वो कंपनी आपको पहचानेंगी, नाम से पहचानेंगी आपको, कंपनी पहचानेंगी वो, ठीक है, एंड दे विल गिव यू रेस्पेक्ट, ओके। आप एक वेंडर हो कंपनी का, उस कंपनी को प्रोमोट करने में, उस कंपनी को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। सो द थिंग इज कि आपको सिर्फ एक कंपनी चाहिए होता है महीने में, तो भी आपको पूरा होल लाइफ के लिए वो उस कंपनी के साथ आप रह सकते हो, उस कंपनी का काम करते हुए आप अपना लाइफ को आराम से एक अच्छा स्टेबल फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हो आप। लेकिन आप ये सोचो कि 3000 कंपनीज को अगर आप मंथली अगर आप मेल भेजोगे तो ऑटोमेटिकली 1% तो कन्वर्ट होगा, ओनली 1%, और 30 कंपनी का काम लोगे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना इनकम आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि आपने मेल भेज दिया, मेल भेजने के बाद क्या करना है कि उनमें से जो भी कंपनीज का रिक्वायरमेंट आएगा, एंक्वायरी आएगा, ठीक है, जो भी एंक्वायरी आता है, जो मेल पे वो लोग एंक्वायरी पूछेंगे या तो कॉल करके पूछ लेंगे आपसे, तो उस एंक्वायरी को आपको हमें फॉरवर्ड कर देना है, बताना है कि कंपनी का ये रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है।
जब तक आपको नॉलेज हो जाएगा, मान लो कि पहले तो आपको थोड़ा सा नॉलेज कम होगा, तो आप हमसे पूछ लिया करो, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, आपको इसका कोटेशन बना के दे देंगे। आप अपने मेल आईडी से कंपनी को भेज देना, ठीक है? कोटेशन बना के दे देंगे कि इसका कॉस्टिंग ये आएगा, इसका टाइमिंग ये चाहिए, तो आप बता देना कंपनी को। तो कंपनी बोलेगा कि मुझे कुछ सैंपल चाहिए, सैंपल दे देना आप लोग, आप हमें इन्फॉर्म कर देना कि कंपनी को इस प्रोडक्ट का सैंपल चाहिए, तो हम लोग उसको सैंपल बना के दे देंगे, ठीक है? सैंपल जब बना के दे देंगे तो क्या होगा, हम लोग सैंपल कैसे बनाते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, तो फटाफट दे सकते हैं हम लोग, ठीक है? इंस्टेंटली दे सकते हैं। मान लो कि कंपनी का रिक्वायरमेंट अभी आया, आप हमें इन्फॉर्म कर दो और हम हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इमिडिएटली काम करके आपको भेज देगा, ठीक है? और भेजने के बाद आप कस्टमर को भेज दो। भेजने के बाद क्या होगा कि कस्टमर उसमें से कुछ फाइनल कर लेगा, मान लो कि सैंपल को फाइनल कर दिया, ठीक है? तो जब सैंपल को फाइनल कर देगा तो हम लोग उस काम को बहुत जल्दी करके दे सकते हैं कस्टमर को, ठीक है? सो आपने ऑर्डर ले लिया कंपनी से, एक रिटर्न ऑर्डर लेना पड़ता है, वर्क ऑर्डर बोलते हैं उसको, ठीक है? तो कंपनी ने अपने जो लेटर हेड है उसमें जो वर्क ऑर्डर दे दिया, उसमें प्राइस वगैरह सब कुछ फिक्स हो गया। उसमें उसने बोला कि आप मुझे सबमिट कर दो ऑर्डर और मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? सो बहुत इजी है, वर्क ऑर्डर मिल गया, कोई भी चीज बातों में नहीं होता है। तो कंपनी आपको वर्क ऑर्डर देगी, आपको एक रिटर्न में देगी आपको, एंड उस पे अगर बड़ी कंपनी है तो, छोटी कंपनी है तो अपने मतलब बातों बातों में ऑर्डर दे सकता है वो, ठीक है? लेकिन कंडीशन ये है कि हम लोग उसको फाइनल प्रोडक्ट देने से पहले उससे हम लोग जो भी अमाउंट है, बिलिंग अमाउंट, वो पे करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है? अगर बड़ी कंपनी है तब तो आप बाद में भी ले सकते हो, क्योंकि हम लोग जो है ना कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दे रहे हम लोग, तो हम लोगों का कोई लॉस नहीं है देखा जाए तो। हाँ थोड़ा सा अगर पैसा नहीं देता है कंपनी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा मतलब हाँ थोड़ा सा मेहनत किया था, मेहनत भी तो हमने नहीं किया था, हमारा सॉफ्टवेयर नहीं किया था, लेकिन टाइम तो दिया था ना वहां पे, 10 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम दिया था, वो टाइम का नुकसान हो सकता है अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो। लेकिन ऐसा क्यों करेगी, कंपनी की रेपुटेड है, उसने अपना लिख के दिया है तो पैसा जरूर देगा अगर बड़ी कंपनी है तो। लेकिन छोटी कंपनी में क्या करना है आपको, कि आप उसको बोलना है कि ठीक है आपको मैंने सैंपल दिखा दिया, एंड इफ यू फाइनलाइज द सैंपल तो आप कुछ एडवांस दे दो या तो आप फुल पेमेंट कंप्लीट कर दो, ठीक है? तो हमारे पास आप उससे पैसा डायरेक्टली कंपनी से ले लो, या तो आप हमारा जो पेमेंट पेज है वो दे दो कस्टमर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा कस्टमर से आप लो या हम ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप लोगे, आप भी ले सकते हो कस्टमर से पैसा, या तो आप हमारा वेब पेज को भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है? अगर आपने मान लीजिए कि आपने कस्टमर से पैसा ले लिया, अपने अकाउंट में ले लिया, जितना पैसा आया, मान लो 10,000 आए या 15,000 या 5 लाख रुपए आए या 1 लाख रुपए आए, जो भी अमाउंट आए, बस आपके पास अकाउंट में आ गया, ट्रांसफर हो गया, तो आप उसका 50% हमें ट्रांसफर कर दो, ठीक है? और अगर आप बोलते हो कि नहीं, आप कंपनी से पैसे ले लो, आप अपना बिलिंग पेज जो है, आप अपना जो इनवॉइस है वो भेज दो और आप उसको पैसा ले लो, हाँ हम लोग भेज सकते हैं, और पैसा हमारे पास जैसे आता है तो हम आपको इमिडिएटली उसका 50% आपको ट्रांसफर करके दे देंगे, ठीक है? सो दैट इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज हमारे आप और आपके बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होगा इसके बारे में, कि आप हमारे साथ इस तरीके से काम करोगे और इस तरीके से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग होगा, ठीक है? सो दिस इज द थिंग कि आपको कितना इजीली आप हमारे साथ काम कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप इस काम को करने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप हमारे साथ इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें आप बिजनेस जो पार्टनर है वो वाला कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना। अगर नहीं कर पाए हो तो आप मेल कर देना कि अब मुझे बिजनेस पार्टनर वाला कैटेगरी में मुझे ऐड करवा दीजिए, मैं आई वॉन्ट टू वर्क एज ए बिजनेस पार्टनर, तो मैं हमारा जो टीम है हम लोग आपको बिजनेस पार्टनर वाले कैटेगरी में ऐड कर देंगे, और बिजनेस पार्टनर को जो ट्रेनिंग मिलता है वो आपको शेड्यूल कर देंगे, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा उसके बारे में, ठीक है? सो दैट इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, और आप एक अपना स्टार्ट जो बिजनेस उसको आप घर बैठे बैठे आप उसको एक दिन एक बहुत बड़ा बिजनेस के लिए आप आगे बढ़ सकते हो, मतलब ठीक है स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन आपका खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस को लेकर आप ड्रीम कर सकते हो, सोच सकते हो, आप स्टैब्लिश हो सकते हो, आपको कंपनियां आपको पहचानेंगी, आपका नाम होगा, आपको खुद का कंपनी जो है ना वो सेट हो जाएगा। और एक कंपनी सेट होने का मतलब क्या है, हो सकता है कि आज हमारे साथ काम करते हुए आपने सीख लिया सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर कौन सा होता है सीख लिया, फ्यूचर में वो सॉफ्टवेयर आप खरीद भी सकते हो या हमसे ले सकते हो या किसी और से ले सकते हो, ठीक है? सो आप अपना बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, ओके? सो दैट इज द थिंग फॉर द मीटिंग, जो भी मतलब मैंने वीडियो में इसी चीज को मैंने बताया, दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप
जो हमारा जो ईमेल आईडी है support@apitgroup.com में आप मेल कर दीजिए, बताइए कि आप एज ए बिजनेस पार्टनर काम करना चाहते हो। हम आपको सारा जो जितना भी आपको जो एजुकेशन देना है, जितना ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, जो काम करना है आपको, किस तरीके से करना है, उसका पूरा एक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।